अस्सलाम नाज़रीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मध्य प्रदेश के भोपाल का है। दरअसल रोज़ की तरह एक फ्रूट बेचने वाला अपना ठेला लेके जा रहा था। उसकी जो ठेली है वो एक कार से टकरा जाती है, टच हो जाती है। ऊपर बालकोनी से ये सब उसकी मालकिन जो हैं वो देख लेती हैं, और फिर वो जो गुस्से से नीचे आती हैं तो एक एक करके सारे फ्रूट उसके फेंकना शुरू कर देती हैं। ये महिला एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, यानी कि पढ़ लिखी हैं, तालीम याफ्ता हैं। अब आप इस वीडियो में ये देख के बताएं कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन तालीम याफ्ता है, किसके पास संस्कार हैं। बहरहाल ये उसको फ्रूटों को फेंकना शुरू कर देती हैं, और जो लोग रास्ते से गुजरते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियो में आप देखें वो उन पर भी भड़क जाती हैं। ठेले वाला खुशामत करता रहता है और अपनी गलती के लिए नादिम और शर्मिंदा है और माफ़ी भी मांगता रहता है, लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती है। कल इसका मुख्तसर सा वीडियो आपने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। आगे का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि आखिर में वो ठेली पूरी ही मैडम पलट देती हैं, लेकिन उस गरीब की एक भी नहीं चलती है और ना ही वो सुनती हैं। इवन के उसका जो लोग वीडियो बनाते होते हैं उनको भी रोका जाता है और मोबाइल बंद करने को कहा जाता है। बहरहाल आखिर ये मामला थाने पहुंचता है, थाने में वो वीडियो डिलीट कराया जाता है ठेले वाले से, और एक कंप्रोमाइज़ लेटर पहले से ही मौजूद होता है, उस पर वो दस्तखत कराए जाते हैं, और किसी तरह ये मामला रफे दफे होता है। एक मुख्तसर सा वीडियो देखें और देखें कि हमारी जो पढ़ लिखी पीढ़ी है वो किस तरह से रिएक्ट करती है एक ठेले वाले पे, गरीब पे। अगर ये ठेले की जगह वहां पर BMW और मर्सिडीज होती और उसके बाद क्या रिएक्शन होता, हम ये सोच लेते हैं कि ये गरीब है क्योंकि इंसान नहीं है, और उसकी इस तरह से बेइज्जती ही नहीं की जाती है बल्कि उसके माल को भी फेंका थोड़ा फोड़ा जाता है। बहरहाल एक उसके फेवर में एक्ट्रेस गौहर खान का मैसेज ट्वीट कर रहा है कि उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि मुझे लोग बताएं कि ये कौन है और कहाँ का वीडियो है, ताकि मैं इसके जो फ्रूट्स का जो नुकसान है उसकी भरपाई कर पाऊँ। और उस मैडम के साथ उन्होंने कुछ नाज़ेब अल्फाज भी बोले हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।